अब देखिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का। मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ, आपका पेज नंबर 44 पे न्यूमेरिकल है, इसके जस्ट बाद एग्जांपल लिखा होगा। पेज नंबर 44 नोट्स में क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑब्टेंड बाय रिवॉल्विंग वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 वेयर एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1 अबाउट एक्स एक्सिस। मिल गया, यानी गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। तो इसका मतलब और एक्स की वैल्यू जो है वो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1। तो आपको पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, 0 से 1 के बीच में ग्राफ बनाना है केवल, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अगर मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं, अब रफली ग्राफ बनेगा। अच्छा, एक्स को बढ़ाते जाओगे तो वाई बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि कर्व लीनियर तो है नहीं। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसा ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। ये आपकी लिमिट 0 से 0 है और ये लिमिट 1 है। एक्स को 1 लिखोगे तो वाई कितना आएगा, एक्स को 1 लिखोगे तो वाई 1/3 आएगा ना, तो 1, 1/3 होगा। आपकी बुक में शायद 1, 1 ही लिखा हुआ है, हमको याद नहीं है क्या लिखा है, हमने केवल क्वेश्चन देखा था उससे। और इस कर्व को आप एक्स के रेस्पेक्ट में ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब रिवॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है कि ये रिवॉल्व का मतलब ये ऐसे ही टेढ़ा कर्व है, ये पूरा ऐसे से घूम रहा है, ठीक है। एक डंबल टाइप का बनेगा, डमरू समझ लो ये। तो ये वाला पार्ट यहाँ कहीं आ जाएगा और कर्व ऐसे कुछ घूम जाएगा, ठीक है। ये आपका, अब हमको कोई उसका फ्रस्टम वगैरह मान के नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमको ये मालूम है, ये dx है। ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपको स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, ये dx है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड, एरिया ऑफ सरफेस जनरेटेड a इज इक्वल टू, क्या हमने बताया, बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग अबाउट एक्स एक्सिस। तो आ गया एक्चुअली फॉर्मूला 2π/ds होता है, देखो ध्यान से 2π/, जब आप ग्रेजुएशन लेवल में और आगे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और मिलेगी आपको, तो वहाँ फॉर्मूला बताएगा 2π/ds, मतलब सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस, थिकनेस को ds माना गया है या dl कह दो। और वो dl की वैल्यू जो होती है वही आपको रखी गई है अंडर रूट 1+dy/dx का होल स्क्वायर dx। आपने लेंथ ऑफ आर्क जब पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला वहाँ पर दिखा होगा आपको, ठीक है। इसको एक, अच्छा लिमिट x की लिखेंगे तो 0 से 1 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। एज y इज इक्वल टू क्या है, x³/3। तो जो हम dy/dx निकालेंगे तो 3x²/3 बोले तो x², सो बाई क्वेश्चन 1 यहां रख दिया जाए वैल्यू उठा करके, कर्व तो समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 2π y, y की वैल्यू x³/3 अंडर रूट 1+dy/dx x², इसका पावर x⁴ dx। इंटीग्रल करना आपको आता है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई इसको t मान लेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन, तो हम मान लेंगे लेट 1+x⁴ को t मान लिया तो 4x³dx = dt हो गया। तो x³dx हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, तो x³dx विल बी dt/4, मतलब हर स्टेप को शो करेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब रूट हटाने के लिए आप t² मान सकते हैं, ठीक है। वो t² मानोगे वैल्यू रखते वक्त भी, वो तो बात वही पड़ेगी जाकर के। सो a, हाँ नहीं नहीं मान सकते हैं। तो 2π/3 अलग हो गया और ये हो गया t⁻², और dx जगह लिखा dt/4। अब देखिए दो चीज़ें हैं,
या तो एक मिनट, या तो मैं लिमिट रखूं नहीं और इसको इंटीग्रेट करके टी की वैल्यू रख दें तो लिमिट एक्स की रख दें, भाई ये लिमिट एक्स की है और यहां पर तो फंक्शन टी में कन्वर्ट हो गया। तो हमने दो तरीके से इसको पढ़ा है कि या तो आप लिमिट को चेंज कर लो, एक्स वाली कर लो, टी वाली कर लो, तो बेहतर इसको चेंज ही कर लो, फिर लिमिट दिक्कत करेगी। तो जब एक्स की लिमिट जीरो करोगे तो टी की लोअर लिमिट वन आएगी, और एक्स की जब वन करोगे तो इसकी लोअर लिमिट टू आएगी। बस इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसमें आएगा टू टू जब कट जाएगा तो पाई बाई सिक्स, और इसका इंटीग्रल आएगा टी की पावर हाफ प्लस वन अपान हाफ प्लस वन है नाइन आएगा। नाइन क्यों आएगा भैया, टू टू जा फोर, अभी हम इसको कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी डायरेक्ट थोड़ी कर रहे हैं, हम स्टेप शो कर रहे हैं ना। पाई बाई सिक्स, ये आपका थ्री बाई टू आएगा, तो यानी कि टू बाई थ्री हो जाएगा, और ये थ्री बाई टू है तो टू की पावर थ्री बाई टू माइनस वन, तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई नाइन टू की पावर थ्री बाई टू माइनस वन। अब आपका फॉर्मेट देख लीजिएगा आंसर का किस फॉर्म में आ रहा है, यही फॉर्मेट आ रहा है। समझ में आई बात नहीं आई तो टफ नहीं है, लेकिन टॉपिक भी आ सकता है, टॉपिक के हिसाब से वो करेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से ये करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल।